एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू हमेशा अकेला महसूस करता था और उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने एक सुंदर चिड़िया को देखा। चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ गा रही थी और उसकी आवाज सुनकर रामू को बहुत सुकून मिला। रामू ने चिड़िया को धीरे से पुकारा, नमस्ते चिड़िया, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो? चिड़िया ने खुशी से सिर झुका दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, लेकिन मुझे उड़ना भी पसंद है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ दिन में कुछ समय बिता सकती हूँ, लेकिन शाम होते ही मुझे उड़ना होगा। रामू ने खुशी से कहा, मुझे यह मंजूर है, चलो हम साथ में समय बिताते हैं। दिन के समय रामू और चिड़िया साथ साथ गाने गाते, बातें करते और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते। चिड़िया की चहचहाहट और रामू की हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता था। चिड़िया की साथी बनने से रामू की दिनचर्या में एक नया रंग आ गया था। समय बीतने के साथ चिड़िया और रामू की दोस्ती गहरी होती गई। रामू ने महसूस किया कि चिड़िया के साथ बिताए गए पल उसे खुशियों से भर देते हैं। चिड़िया ने उसे सिखाया कि खुशी हमेशा पास में ही होती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत होती है। शाम होते ही चिड़िया ने रामू से कहा, अब मुझे उड़ना होगा, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहूंगी। रामू ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारे बिना जंगल सुनसान लगने लगेगा, लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। चिड़िया ने अपनी पंखों को फैलाया और हवा में उड़ गई। रामू ने देखा कि चिड़िया की उड़ान उसकी जिंदगी में एक नया प्रकाश भर गई है। अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसकी दोस्ती की यादें हमेशा उसके दिल में बसी थीं। आप सभी दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।